हेलो। हाँ हेलो। कौन? कौन? कुरबान हाँ कौन? अनवर उद्दीन कादरी। अरे साले एक तेरे मुहूर्त तुमने एक हेलो को आप एक बार आ रहा ठीक है। हाँ क्या? हेलो। हाँ हाँ रात को फोन करना ठीक है, फालतू कुछ बात करने अभी के टाइम क्या रात को टाइम करना, फालतू लोगों से बात करने का टाइम नहीं है, अभी मैं काम पे हूँ इस वक्त। ठीक है अबे साले तू मेरे बात तो सुन पहले। पहले भाई, पहले तमीज सीख के आओ। ठीक है, जब बोल दिया रात को फोन करना, बात सुन, बात सुन पहले। मेरा तो एक अभी एक ऑडियो जगह सुना, बैठा हूँ। एक ऑडियो सुना यूट्यूब पे है। साला तू आला हजरत का तो मजहब क्यों दीन सुना? और मैंने मजहब कहा को था तो सुनने के लिए। दीन और मजहब को क्यों नहीं मानता? तेरे को प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्यों उनके बारे में उल्टा मैंने सीधा कहा तू था बात कि मेरी करता है? ऑडियो सुनो। क्यों सुना मेरी ऑडियो? अरे सारे तू ऐसा ही बोलेगा? हाँ क्या? एक मिनट को होल्ड करो, मैं जरा अपने ऑफिस के बाहर आ जाऊँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। फोन काट के ना भागना, जब कह रहा हूँ रात को फोन करना। अबे अभी बात करना है तेरे से हमको। अबे भाई आपका नौकर थोड़ी ना हूँ। अबे कहाँ है ऑफिस से बाहर तो निकल, बात तो कर पहले। बारा कमीना बहुत बरतमस्ती। हाँ हेलो। हाँ तेरे ऑडियो सुना हाँ बेटा यूट्यूब पे, बहुत। तेरा ऑडियो सुना यूट्यूब पे, तू आला हजरत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तेरा आला हजरत आला आला हजरत से दीन और मजहब से तुमको क्या प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ भाई देखिए, पहली चीज तो ऑडियो को पूरा सुना कीजिए, ठीक है, शुरुआत से लेके आखिर तक, मेरे और तुमको उसको प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट क्या है? तू मानता क्यों नहीं में। है? क्या अबे गलत है सुनना वो? जाहिल आदमी, तेरे लिए मैं बाहर आया हूँ, मेरी बात सुन। मेरे पे इतना टाइम नहीं है फालतू, ठीक है, अगर किसके पास बात फालतू करना टाइम है? तुम्हारे तेरे पास फालतू टाइम है तभी तेरे को बोलता है तू। हाँ भाई, आपकी अक्ल बहुत ज्यादा, इल्म बहुत कम है। ठीक है, जब मैं कह रहा क्या हूँ रात को बात करना तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अभी बात करना है मेरे को? भाई आपको बात नहीं करना, आपको उंगली करना है, कील-काल करना है बस। नहीं तो तेरे को प्रॉब्लम क्या ये बता ना। ऐसा अबे मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं जाहिल, मेरा प्रॉब्लम खाली इतना बोलता है कि क्यों उम्मत है? में शिर्क और बिदात फैली हुई है। जो जाहिल लोगों ने तौहीद को शिर्क बना लिया है, और शिर्क को तौहीद बना लिया है, और सुन्नत को बिदत बना लिया, बिदत को सुन्नत बना लिया है, साले उनकी तुम लोग इसलाह आप करना है। साले तुम लोग आपरे को तुम लोग देखे जाए शीर बीदक यही तुम लोग का तो अलावा कुछ लगता है हो? आला हजरत के बारे में जो मैंने अपनी ऑडियो में कहा था, वो मैंने ये नहीं कहा था कि आला हजरत के दीन को ना मानो, मजहब को ना मानो। मैं कौन होता हूँ रोकने प्रॉब्लम क्या है? वाला? क्या वो गलत हो रही है? हमारा अबे आला जाहिल हजरत सुनना का पूरा दीन जवाब और मजहब। आदमी। अबे हाँ आदमी को बोल फोन कर तो बोलने का मौका तो दिया करो, या खुद ही तुमको चल बोल बोलना हो बोल अगर खुद ही बोल लिया करो। बोल 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 देखो आला हजरत ने भाई ये मतलब फरमाया है, ठीक है, और ये बात आती है हयाते आला हजरत में, उसकी जिल्द नंबर 4 में, कि आला हजरत कहते हैं अपने मानने वालों से कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर कायम हाँ रहना जो मेरी कुतुब से जाहिर है, यानी जो मेरी भाई किताबों से साबित है, उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो मैंने उस बरेलवी से पूछा था कि आला हजरत ने तो तुम्हारे भाई को नबूवत का दावा कर दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी ईमान वाला होगा, मुस्लिम होगा, तो उसको कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान पे अमल करना है। लेकिन आला हजरत क्या कह रहे हैं कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर अमल करना, कायम रहना जो मेरी कुतुब से जाहिर है, यानी कि जो उनकी तड़ी गड़ी भाई किताबों से जाहिर है, उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अरे अहम फर्ज है। यानी कि जो पांच आला फराइज हैं अच्छा उनसे भी बड़ा फराइज ये है कि आला हजरत की किताबों से, कुतुब से, फतवों से, उनके अकीदे से, उनके मसले मसाइल से दीन को फॉलो करना है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान से फॉलो नहीं करना है, आला हजरत की किताबों से फॉलो करना है। तो तुम लोग फॉलो करो ना। साले तेरे को आला अज्जत कर दिए मजहब में साले तेरे को समझ में आएगा ही नहीं। साले तुम हाँ लोग सही आला हो हजरत का दीन और मजहब हम जानते हैं ना,
समझ में आएगा ही नहीं बिल्कुल। देखिए हम अहले सुन्नत अहले हदीस है, हमारा दीन इस्लाम है और मजहब हमारा कुरान हदीस है, और आला हज़रत का जो दीन और मजहब है, आला हज़रत का जो दीन है मजहब है वो है शिर्क और बिदअत। वही ना बोल रहा हूँ, तेरा दावा करने से हो जाएगा। प्रॉब्लम अच्छा ये बताइए, आला हजरत ने जो फरमाया मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर होता है, यानी कि बरेलवी मसलक की जो किताबें हैं उनसे जो दीन और अकीदा और जो बातें भाई साबित होती हैं उसके ऊपर अमल करना, वो आप बरेलवियों के लिए वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। यानी कि जो मेरे भाई, सुन ला मेरी बात आराम से, बाद में आराम से बोलते रहना, पहले मेरी सुन लो मेरे भाई, तुम्हारे लिए बाहर आया हूँ तो सुन लो, इसीलिए मैं करता हूँ। अगर तुम्हें अपनी अपनी सुनाना है तो रात को फोन किया करो, और दिन में फोन करोगे तो भाई मैं ज्यादा तुमको समझाऊंगा, तुम्हारी कम सुनूंगा। बोलना बोल, सुन रहा है बोल। आला हजरत दिखा के बात कर रहा है, दिखा रहा है अपना। अब जाहिल होता है मुकल्लिद, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, जो इजमा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। जाहिल तू है, मैं नहीं हूँ मुकल्लिद, जाहिल है। इब्ने कय्यूम रहिमुल्ला वो बयान करते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है, इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है। तो हो गया ना इजमा, अहले हदीस को किसने जाहिल कहा, कौन से जाहिल ने अहले हदीस को जाहिल कहा है आज तक, बताओ जरा। तुम लोग हो साले, दूसरे को ध्यान डालो। हाँ तो वो भाई तुम दुनिया के सबसे पहले जाहिल हो जो खुद जाहिल हो के अहले हदीस को जाहिल कह रहा है, माज़ल्ला। तो बताओ बताओ बा, देखो तुम्हारे बरेलवी धर्म में क्या है पहले सुन लो। तुमने मेरी ऑडियो सुन के फोन किया है ना, जो ऑडियो में मैं क्या समझाना चाह रहा था वो तुम ठीक से समझे नहीं। तुम लोग ये सोचते हो कि मैं आला हज़रत को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, आला हज़रत से हमारी कोई मतलब भाई वो है दुश्मनी है। आला हज़रत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आला हज़रत की जो बातें मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के कलाम से और अल्लाह के नबी के फरमान से साबित हैं मैं उन बातों को लेता हूँ। अरे एक भी सैकड़ों बातें आला हज़रत की ऐसी है जो भाई कुरान हदीस से टकराती है। समझ में आएगा ही नहीं ना, फिर वो समझ में आएगा उनको कहने का मतलब क्या था, अरे तुम कुछ और समझता है, उनकी बात कौन सी गलत है, कौन सी क्या बात हमारे हमारा उलमा जो है उलमाए दीन है वो समझ में अच्छा से समझते हैं, साला तुम लोग जाहिल, तुमको कुछ और समझते हो, तुमको समझने से कुछ और हो जाएगा क्या। अच्छा ये बताओ भाई, ये बताइए नबुवत पे ये डाका है कि नहीं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, आप आशिक रसूल हैं कि नहीं पहले ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल है। आप आशिक रसूल हैं, तो आशिक रसूल हैं तो जिसके आप आशिक होने का भाई आपने दावा किया है, जिसके आप भाई इश्कबाजी में डूबे हुए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इसको एकदम मजबूती से थाम लेना ठीक। और आपके आला हज़रत क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा दीन और मेरी जो मेरा दीन है और जो मेरा भाई वो मजहब है उस पर कायम रहना, अमल करना, जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो ये बताइए भाई, ये नबुवत पर आपका हो गया कि नहीं, अभी मैं हूँ, अभी मैं हूँ या आप हैं, आपका नाम है अनवर हुसैन कादरी, और अनवर हुसैन कादरी मानिए कल को कह दें कि नहीं मेरा दीन और मेरे जो मेरा अकीदा है, जो मेरा तरीका है, जो मेरा मजहब है उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है, तो हम कहेंगे नहीं कि अनवर हुसैन कादरी पागल हो गया है। भाई आपको ये कहना चाहिए कि मेरा दीन और मेरा जो भाई तरीका है, मनहज अकीदा है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम के भाई एतबार से अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अपनी किताबें डाल देना, अभी बरेलवी मतलब की कितनी किताबें हैं जिसमें मेरे भाई इतनी गंदगी भरी हुई है, यहाँ तक कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में मेरे भाई गुस्ताखी लिखी हुई है, अब क्या आप लोग उसको मानोगे। आपके आला हज़रत कहते हैं अपने बरेलवी मानने वालों से, बरेलवी धर्म के लोगों से कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी किताबों से, यानी कि जो जो बरेलवी मतलब की भाई किताबें हैं उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो आपके बरेलवी मतलब की जो भाई किताब है उसमें अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत की माँ, अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी, उनकी शान में
इतना गंदा घटिया अश्लील आसार को शायरी को भाई वो नकल किया गया है, क्या आप उस पर अमल करेंगे? आप उसको तो अच्छा मानेंगे? तो पहले बता तो पहले क्या मैं वो क्या सार अपनी जबान से पढूं भाई? मैं आप लोग की तरह नहीं हूं कि अपनी उम्मत की माँ के बारे में ऐसी गंदी बात उतार दूं। भाई बरेलियों के आला तो हजरत ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ बहुत ही घटिया वर्ड इस्तेमाल किया है। अकीदा अहले सुन्नत से जुदा कोई इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और अपने भाई कसीदे में उन्होंने लिखा है, तंग व चुस्त उनका लिबास और वह जोबन का उभार, मसली जाती है काबा सर से कमर तक लेकर, या फता पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत की हुई जाते हैं जामा से बरोन सीना व बर माजल्ला। तौबा तौबा, इतने गंदे आसार है अल्लाह मुझे माफ करना, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब जो भाई गंदगी है काली कर सकते हैं, ये तुमको दिखाने के लिए आवाम को दिखाने के लिए मुझे ये सब तुम्हारे मसलक की जो मेरे भाई मोतबर किताबें हैं उनमें से खोल खोल के तुमको आईना दिखाना पड़ता है कि ये सब किताबें आज तक छप रही हैं, आज तक पढ़ी जा रही हैं, आज तक पढ़ाई जा रही हैं, आज तक अमल की जा रही है और आज तक इनका दिफा किया जा रहा है। मुझे कहने का मतलब कुछ और था, समझ कुछ और रहा है। अच्छा, अभी आप उम्मत की माँ तो हटाइए, अभी मैं आपकी अम्मा के बारे में आशार अगर मैं अपने आप से बना दूं कि अनवर हुसैन कादरी की माँ तंग व चुस्त उनका लिबास और वह जोबन का उभार, मसली जाती काबा सर से कमर तक लेकर, तौबा तौबा माजल्ला, क्या मैं आपकी माँ के बारे में ऐसा बोल सकता हूँ? जब मैं आपकी माँ के बारे में इतना इतना घटिया अश्लील आसार मैंने भाई मैं पढ़ सकता हूँ तो उम्मत की माँ, तौबा तौबा। और ये आपका आता है भाई, ये इसका हवाला भी सुन लीजिए, हदायके 32 की जिल्द नंबर 3 और सफा नंबर 23 पे लिखा हुआ है। और ये किताब मेरे भाई कोई कोई बरेलवी इसका इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मसलक की नहीं है, हमारे भाई ये मजहब की नहीं है, ये तो मेरे भाई ये मतलब देवबंदियों ने उतार दिया था, अहले हदीसों ने उतार दिया था, नहीं, ये तो आपके आला हजरत की किताबें हैं, उनके मसलक की किताबें हैं। अब आज लोग इसका जवाब देते हैं कि जो ये किताब है ये आला हजरत के इंतकाल के बाद में भाई छपी और इसको लिखा गया और हमारे जमात के एक दूसरे आलिम ने मतलब इसकी जो भी थी मेरे भैया जिम्मेदारी भाई को अपने ऊपर ले ली और उन्होंने इस बात की तौबा की और तौबा करने के बाद उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ा, दोबारा अपना भाई वो निकाह किया। लेकिन ये बात आई कहाँ से? अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भी सुनेगा रहेगा तू ही खुद। भाई आपके जो मौलवी हैं अहमद रजा खान उर्फ आला हजरत की वो बदनाम जमाना किताब है जिसे शुरू में बरेलवियों ने बड़े बड़े जोर शोर से छापा था, मगर बाद में जब इस किताब में मौलवी अहमद रजा खान की जब भाई जो हकीकत है वो सामने आई कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बदतरीन गुस्ताखी का पता चला तो बरेलियों ने इस किताब को ही गायब कर दिया। मगर अल्लाह सुबहान तआला की शान और कुदरत को तो देखो, इसके सैकड़ों मेरे भाई जो किताबें थी नुस्खे थे वो तब तक लोगों के हाथों में जा चुके थे, उन्हीं में से एक जो मेरे भैया नुस्खा था वो आज भी हमारी मस्जिद में भाई को रखा हुआ है जिसका नाम है भाई वो हदायके बख्शीश और उसका हिस्सा सौम है। इसके पेज नंबर 37 और 38 पे भी आप भाई मौलवी अहमद रजा खान अपने शिया अकीदे के मुताबिक अपनी गंदी मेरे भाई जुबान से तमाम मेरे भाई ईमान वालों की माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर ठीक वो उल्टे सीधे गंदे अल्फाज में तहरीर करता है। अब बताइए, सूर्य का मेरा भी बोल पाई जाएगा? मैं सुना नहीं, आप पहले इस आशार के लिए तौबा कीजिए पब्लिक में और कहिए कि हमारे बरेलवी मसलक की इस किताब हदायके 32 में
जो ये अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गंदा घटिया बदतरीन अश्लील आशार जो मेरे भैया छापा गया था, हम बरेलवी उसके लिए अल्लाह से तौबा करते हैं और आज के बाद दोबारा कभी भी किसी भी बरेलवी मसलक की उल्टी सीधी गंदी किताब जो इसका कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है उस पे अमल हम नहीं करेंगे। आप अल्लाह के सामने सजदे में तौबा कीजिए, तब अल्लाह ताला आप लोगों को माफ करेगा। पहले बात तो सुन साले, तू अपना ही बोलता जाएगा, अपना तौबा खाता जाएगा, खुद साला समझेगा, खुद बोलेगा, मेरा भी कुछ सुनेगा। साला आला हजरत का तू आसार तेरे को समझ नहीं आएगा, साले तू बोल रहा है ऐसा। आप अच्छा समझा दो, चलो तू ये बोल रहा है आप बता तो सुनेगा तो। अब तो भाई मैं आपको आसार का भाई एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, आप उसका माना समझा दो, ठीक। ये किसी तो आम औरत की बात में नहीं हो रही है, आपके अक्ल पे पत्थर पड़ गए। ये उम्मत की माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी की बीवी, उनके बारे में ये बात आ रही है कि तंग व चुस्त उनका लिबास और वह जोबन का उभार, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, अल्लाह सुबहान ताला माफ करे। चलो बताओ इसका माना क्या है, कौन सी अच्छी बात लिखी है? ये पहले नहीं, ये तारीफ हो रही है अम्मी आयशा की है, जाहिलो मक्कारो, क्या अपनी अपनी अम्मा की बहनों की तारीफ ऐसे करते हो तुम लोग? खुद है दूसरे को बोल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था रात को फोन करो ताकि कायदे से तुम्हारी इसलाह करें। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे जैसे जाहिल झोला छाप लोग सिर्फ मेरे भैया मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुन के बस उनका खून खौल जाता है, गालियां देने लगते हैं। कभी जानने की कोशिश तो क्या करो कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो कहाँ से कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, ताकि आप लोग की इस्लाह हो, आप ऐसे गंदे अकीदों से बाहर निकलो, आप लोग तौबा करो, अहले सुन्नत अहले हदीस बनो। दूसरे को बोल रहा है गंदे अकीदे में साले, तू खुद फंसा है, दूसरे को बोल रहा है कि तू अपने गंदे अकीदे भाई, आपकी पूरी एरिया जो आपकी नस्लें हैं ना पूरी साफ हो जाएंगी। मेरा चैलेंज अगर आप लोग मेरे भाई कबूल कर ले, तमाम बरेलवी विदेशी मुशरिक को ये चैलेंज है, और अपने अपने जो भाई देवबंदी है ना उनको भी साथ में ले लो, और तुम बरेलवी देवबंदियों से ओपन चैलेंज है कि अहले सुन्नत अहले हदीस का एक अमल एक अकीदा आज की तारीख में ऐसा दिखा दो जो हम अमल करते हो, जो हमारा अकीदा हो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो, तो सुबह का सूरज बाद में आएगा, हम तौबा पहले करेंगे। हम तुम्हारी तरह नहीं है, इतना गंदा आशार तुम्हारी किताब में भाई वो लिखा हुआ है जो मैंने तुमको पढ़ के बता दिया, तुमको दिखा भी दिया, उसके बावजूद तुम मानने को तैयार नहीं हो, उसके बाद उसमें तावील कर रहे हो, उसमें दिफा कर रहे हो कि इसमें गलत क्या है, जाहिल आदमी। ये तो तुम्हारे हनफी मसलक का उसूल है, उसूल अल खारकी सफा नंबर 7 पे, कि अगर हमारे मसलक की कोई बात कुरान और हदीस के आड़े आएगी तो हम उसमें तावील करेंगे, और तावील कर करके उसको अपने मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर वो हमारे मसलक के काबिल अगर वो बन जाती है, फिट हो जाती है तो ठीक है, वरना उस कुरान की आयत या उस अल्लाह की नबी की हदीस को माजल्लम तुम लोग के नजदीक मनसूख समझा जाएगा। तो यही तुमने आज जो ये उसूल था अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, इतने गंदे आशार को जो मेरे भैया मैंने तुम्हारी बरेलवी मसलक की किताब से तुमको पढ़ के सुनाया वो तुम कह रहे हो कि इसमें गलत क्या है, और उसमें तावील करने लगे। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। पहले बात करने की तमीज सीख लो, बाद में फोन करना। अभी मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, रात को फोन करना तो कायदे से तुमको तुम्हारे मसलक की और गंदगियाँ तो मैं सामने करूंगा। जो तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारे जो बरेलवी जो मेरे भैया जो मतलब वो है ना धर्म, उसके जो देवता हैं आला हजरत, उन्होंने जो अपने मानने वाले भक्तों को कहा है ना कि मेरा दीन और मेरा मजहब पर अमल करना, जो मेरी किताबों से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है, तो बेटा तुम्हारे अगर अहम फर्ज को तुम्हारे ऊपर हमने लागू कर दिया ना तो भागे भागे फिरोगे। मेरा भी कुछ बोलो जल्दी, टाइम नहीं है साले, तू अपना बोलता था तेरे पास टाइम है, मैं बोलता हूँ टाइम नहीं है तेरे पास, तो रात को फोन किया करो ना भाई, रात को आराम से मेरे भैया 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद फोन किया करो। अब तुम मेरे भैया ऑफिस के टाइम पे फोन कर दोगे तो क्या मैं काम धंधा छोड़ के तुम्हारे जैसे जाहिलों से बात करूं? इस समय कौन ऑफिस का काम है इस समय,
अबे तू क्या मेरा कोई वो है क्या, क्या मतलब तू मेरा हेड है जो मैं तेरे को हर चीज बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किसने हूँ, तेरे से पूछ के पैदा हुआ था क्या जाहिल? अबे साले मेरी छोटा मर्जी, रहने मैं दो, जहाँ जाऊँ जहाँ आऊँ, तू है कौन बे रोकने वाला? जाना तेरे को वो कौन रहा है? इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भैया मरने से पहले पहले तुम और अपने तुम्हारे मेरे भाई जितनी जितनी जमात के बरेलवी भाई हैं, जाके उनको समझाओ, उनकी सलाह करो कि ऐसी ऐसी गंदी बातों से, ऐसे ऐसे मेरे भाई इल्जाम से, ऐसी ऐसी मेरे भाई इबारतों से तौबा करें। और जिन जिन मेरे भाई लोगों ने अम्मी आयशा हाँ रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में जो ये गुस्ताखी हुई है, इसका सिर्फ इसलिए दिफा किया है कि हमारा मसलक साबित हो जाए, अल्लाह ताला उनको माफ करे। साली तो बात कर रही मुंह से सुने, आज तक मैंने कभी अपना उलमा से सुना ना कभी कम सारा कभी देखा ना पढ़ा, तो सारा अपना ही मुंह से अपना ही नया नया चीज तो लाके इल्जाम हम लोग पे डालता है क्यों? अच्छा भैया, ये कब की भाई, ये कब की किताब है? जाके अपने किसी आलिम से पूछना, ठीक है? ये जो मेरे भाई जो हदाई के बख्शीश है ना, ये बरेलवी हाँ मसलक की मोतबर किताबों में से इसको मेरे भैया शुमार किया जाता है, ठीक? और तुम जाहिल लोग कह रहे हो कि ये किताब कोई नहीं है। अब तुम्हारे आलिम लोगों को तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, ग्यारहवीं, बारहवीं, शबे बारात, शबे मेराज, और ये हलवा शरीफ और सोंगा शरीफ और खिचड़ा शरीफ और मलीदा भैया शरीफ, इनसे फुर्सत मिलेगी तो वो अपने मसलक की किताबें पढ़ेंगे ना, ना तुम्हारे झोला छाप आलिम लोग मेरे भैया ये सब किताबें पढ़ते हैं और उनको पढ़ाई भी जाती है तो बता दिया जाता है कि ऐसा अकीदा तुम रखो उम्मत की माँ के ताल्लुक से, ऐसा अकीदा रखो, लेकिन आवाम में इसको ना बताओ, क्योंकि आवाम में बताओगे तो जो पब्लिक के जूता मारेगी, फिर उनको हलवा नहीं अरे मिलेगा, छोटा बात बिरयानी सुन, नहीं मिलेगी। तो छोटा इसलिए तुम्हारे आलिम बात लोग इन सब किताबों में जो गंदगियां लिखी हुई हैं उसको छुपा लेते हैं और अहले सुन्नत अहले हदीस के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, उकसाते सुन, हैं। अरे बात तो लेकिन सुन, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे मसलक की इतनी गंदगियां हैं ना, जिस दिन मैं खोलने पे आ गया ना, मुझे अल्लाह का खौफ है, नहीं तुम्हारे पूरे मेरे भाई, अगर मैंने कुतुब को जो तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है ना, आला हजरत की किताबें उनके जो कुतुब हैं, अगर मैंने खोल के पढ़ पढ़ के बताना शुरू किया ना, बरेलवियत को लात मार के अहले सुन्नत बनोगे, ठीक है? पर बात तो सुन, तुम्हारी औकात नहीं है इल्मी बात करने की, रात को फोन करना। इसका औकात अल्लाह पर ताला बात आपको तो सुन, हिदायत हमारा दे। अस्सलाम वाला बच्चा मन के बच्चा के घर तबल्ला जा रहा है, कभी यहाँ बरेलवी बात तो सुन। भाई, अबे सलाम साले सुन, अलैका, भाग गया जाहिल भाग रहा है, साले बिदती सलाम रह ये कुत्ता अलैका, साला, सुनेगा तुन्नी लहा बी नहीं मैं किसी को, सलाम तू मेरा पास अलैका। सुनना ही अपना ये थे भूल गया, मैं अनवर भाग हुसैन रहा हूँ साले। कादरी, अबे इन्होंने साले अम्मी क्यों, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में जो इनके बरेलवी साले मसलक की किताब में जो अबे उल्टी साले सीधी बात सुनेगा नहीं गुस्ताखी अभी, लिखी हुई है, ये उसका भी दिफा करने के लिए अबे तैयार कुत्ते हैं। ऐसा सुनेगा, इनका ईमान है, ऐसा अकीदा है, माज अबे अल्लाह, तौबा साले तौबा सुनेगा तौबा। मेरा अभी, अबे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी माँ की इज्जत, भाई जो अपनी माँ की इज्जत ना कर पाए, वो साला तू खुद उम्मत की इज्जत माँ नहीं की इज्जत करता है, क्या दूसरे को क्या बोलता है कि इज्जत नहीं करेगा? कर रहा, साला अल्लाह ताला सुन इन सबको सुनेगा अभी। हिदायत दे। अबे साले सुन अस्सलाम सुन, वालेकुम। अबे कुत्ते सुन ना,